हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 16 फरवरी 2022 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने ज़ीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ज़ीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले LIC हाउसिंग फाइनेंस में आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, आज के दिन LIC हाउसिंग फाइनेंस में हमें 7.92% का यहाँ पे पॉजिटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 387 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा जो यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंट रहने वाला है या फिर कोई डाउनसाइड आने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका कल के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर जो आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है जरूर जो हमारा एक ओपिनियन देंगे। तो चलिए अब जाते हैं हमारे वन डे के चार्ट में, वहां पे देखते हैं आने वाले दिनों में स्टॉक में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ वॉल्यूम की, वॉल्यूम यहाँ पे एवरेज से ज्यादा हमें वॉल्यूम जो देखने मिल रहा है। कैंडल यहाँ पे बहुत ही बड़ी बन चुकी है जो 20 50 के ऊपर जो हमें जरूर क्लोजिंग दी है। करंटली यहाँ पे RSI जो है 51 के आसपास जो आ चुका है, जो हमें एक तरह से न्यूट्रल यहाँ पे जो है एक जो है इशारा कर रहा है, मतलब दोनों साइड का हमें इशारा कर रहा है। इसकी वजह से मैं हमेशा कहता हूँ चाहे RSI हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसे भी हमें जरूर कंसिडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। बाकी यहाँ पे मैं बात करूँ मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, करंटली आने वाले दिनों के लिए स्टॉक जो है फिलहाल यहाँ पे अभी भी जो है वो हमारे लिए जो है वो थोड़ा सा जो है नेगेटिव है। मतलब स्टॉक जो हमें और गिरते हुए वापस से देखने मिला, जरूर 20 में 50 में ऊपर चले गया है लेकिन स्टॉक जो वापस हमें डाउन साइड जाते हुए देखने मिल सकता है। हाई चांस है फिलहाल स्टॉक जो है हमें 370 के आसपास जो गिरते हुए देखने मिले। करंटली अभी भी स्टॉक जो है यहाँ पे अगर अपसाइड मूवमेंट दिया तो सारा का सारा टेम्पररी मूवमेंट होगा, यहाँ पे कोई भी परमानेंट मूव जो है फिलहाल हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक 20 MA जो क्रॉस करके 50 MA को ना जाए। करंटली 20 MA अभी भी 50 MA के नीचे जो चल रहा है और कल के दिन यहाँ पे क्या हो सकता है वो हम जरूर हम 1 आवर के चार्ट में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे फिलहाल आने वाले दिनों के हमारा ओपिनियन जो है अभी भी इस स्टॉक में जो नेगेटिव का है। आपका क्या ओपिनियन बनता है स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए हमें जरूर कमेंट करके बताना। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी दबा दे क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे फोर वीडियोस मतलब 4 स्टॉक से जो है एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब जाते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट में और वहां पे देखते हैं कल के दिन स्टॉक में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे 1 आवर का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ें किसी भी स्टॉक में होती है उसका सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस यहाँ पे हम देख लेते हैं फिलहाल यहाँ पे मार्क्ड है या नहीं। तो कुछ यहाँ पे जो है मुझे थोड़ा सा जो चेंजेस देखने मिल रहा है मैं ज़रूर उसको जो है चेंजेस यहाँ पे मैं कर देता हूँ। बाकी अगर आपने जो है यहाँ पे अभी तक हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स का जो वीडियो नहीं देखा ज़रूर आप हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स का जो वीडियो देख ले, वो आपको हेल्प करेंगे अपना जो है एक व्यू बनाने में, मतलब बुलिश हो या फिर बेरिश हो एक व्यू को जो है क्लियर करने में वो बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे। तो उसको आप जो ज़रूर यहाँ पे देख ले। तो फिलहाल यहाँ पे मार्किंग जो है हमारी सारी हो चुकी है। बात करते हैं इसके क्लोजिंग की, तो क्लोजिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं 386.20 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट यहाँ पे बनता है हमारा 381.75 का। डायरेक्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो 380.20 का यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस जो है वो बनता है। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है वो होता है नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस बीच में अगर आपको स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको जो है वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए यहाँ पे अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो एक वीडियो ऐड किया है ज़रूर आप उस वीडियो को देख ले। वहाँ पे हमने किस तरह से आपको कंफर्मेशन कैंडल देखनी है, किस तरह से आपको टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करके चलना है, साथ ही साथ इंट्राडे में चाहे हमारा स्टॉक नीचे जाए या फिर ऊपर जाए आप किस तरह से जो यहाँ पे अपना प्रॉफिट कर सकते हैं वो भी हमने आपको बताया। तो ज़रूर जाओ उस वीडियो को पूरा का पूरा देखें। बाकी यहाँ पे मैं बात करूँ मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन
कहने से पहले कल के लिए इंपॉर्टेंट मैं दो सपोर्ट और दो रेशन यहाँ पे क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेशन वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 376.90 का, उसके बाद क्या आता है 372.15 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेशन के बाद का अगला रेशन आता है 391.05 का, उसके बाद क्या आता है 395.85 का। तो यहाँ पे मैंने दो सपोर्ट और दो रेशन जो है मैंने बता दिए, जरूर जो है उसी को कंसिडर में रखते हुए चलिए जो है यहाँ पे आप अपना कल के दिन जो है ट्रेड ले। बाकी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन स्टॉक में आज के क्लोजिंग के बेसिस पे कल के लिए जरूर यहाँ पे नेगेटिव का बन रहा है। ओपनिंग यहाँ पे बहुत ही हाई चांस है, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे जो है एक हमें गैप अप ओपनिंग देखने मिल सकती है, लेकिन ये जो है 388.20 से लेकर 391 के बीच में यहाँ पे डबल रेजिस्टेंस जोन आता है जो बहुत ही छोटे से गैप में, तो यहाँ पे हाई चांसेस स्टॉक जो हमें फिर वापस से जैसे ही ऊपर जाए स्टॉक हमें सेलिंग जो है ज़्यादा देखने मिल जाएगी और फिर उसके बाद स्टॉक जो हमें गिरते हुए देखने मिल सकता है। 376.90 से लेकर 381.75 के बीच में मुझे लगता है कल के दिन इस स्टॉक में हमें जो है क्लोजिंग देखने मिल सकती है। हाई चांस अगर यहाँ तक नहीं भी है उससे थोड़ा ऊपर में भी हमें जो है क्लोजिंग जो है वो नेगेटिव देखने मिल सकती है। बाकी आपको क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताएं, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।